13 साल से मैं एक बैरन स्त्री के साथ में एक परिवार में रह रहा हूँ। हालांकि ये अविश्वसनीय है, सच में मेरी पत्नी कभी बच्चे की माँ नहीं बनेगी। शादी से कुछ साल पहले सुमन के पेट के निचले हिस्से में एक ट्यूमर हो गया था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने गलती से गर्भाशय काट दिया। बस एक गलती, एक लड़की का मातृत्व खो गया। एक लड़की का मातृत्व खो जाना बहुत सामान्य नहीं है। डॉक्टर से ऐसी गलती की उम्मीद कोई नहीं करता। नहीं नहीं, मैं डॉक्टरों को दोष नहीं दे रहा हूँ। लोग गलतियाँ करते हैं, कोई भी पूरा सही नहीं होता। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन ऐसी भयानक घटना किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ी जागरूकता हमें शेयर करनी पड़ेगी। मेरे माता पिता दुल्हन को देखने गए थे, लेकिन गहराई से नहीं खोजा। लड़की दिखने में और सुनने में अच्छी थी, सुंदर शिक्षित थी। लड़की की पारिवारिक स्थिति भी अच्छी थी। उसके ऊपर से लड़की वाले आसानी से 1.5 लाख रुपए दहेज देने को भी तैयार हो गए। ऐसा रिश्ता कोई भी अपने हाथों से नहीं छोड़ सकता। मेरे मूर्ख माता पिता ने एक बार सोचा भी नहीं कि सब कुछ इतनी आसानी से होने के पीछे कोई कारण तो जरूर होगा, और खुशी खुशी शादी फाइनल करके आ गए। और इस मौके पर उन लोगों ने भी पूरी कहानी छुपाई और वहाँ भी कुछ नहीं बताया। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि सच कभी छुपाया नहीं जा सकता। जब उसने शादी के बाद सुमन को बच्चा पैदा करने के लिए कहा, तो उसने सिर्फ बहाना बनाया, कमजोरी का बहाना करती थी। पर एक दिन उसने सब बताया। सब कुछ सुनने के बाद मेरे माता पिता ने ससुराल वालों को बुलाया। उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया और माफी मांगी। सच कहूं तो वो चाहते थे कि हमको और कुछ पैसे देकर इस मामले को यहीं रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन मेरा परिवार उनकी बात नहीं माना और कहा, ये कैसे होगा, सब कुछ पैसे से नहीं होता है। इसके अलावा हम उनकी गलतियों को क्यों भुगते। अंत में माता पिता अपना निर्णय लेते हैं। वो कहते हैं कि वो अब ऐसे लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। वो सुमन को छोड़कर मुझसे दोबारा शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं नहीं कर सका। पवित्र रिश्ते को तोड़ना इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप इस पर विश्वास करेंगे या नहीं। तलाक के बारे में सुनकर सुमन ने मुझे बहुत कुछ कहा कि उसके आंसू छलक पड़े, जिसे शायद देखकर पत्थर का दिल भी कांप जाएगा। उसने मुझे गले लगाया और रोती रही और कहा, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। अगर तुम एक और शादी कर भी लोगे तो भी मैं मना नहीं करूंगी। यदि जरूरत पड़े तो मुझे अपने घर पर बंदी बना लो। मैं अब भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं वास्तव में ना नहीं कर सका। सुमन को प्यार वापस देने के लिए मैं उसे ना नहीं कर सका, नहीं तो उसके आंसू व्यर्थ हो जाते। लेकिन वो लोग, उन्होंने मुझे इतना धोखा दिया, मैं उन्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगा। मैंने कठिन परिस्थितियां बनाई। एक दिन मैं उनके पास गया और बोला, सुमन और मुझे आप लोगों ने माँ बाप बनने का मौका नहीं दिया, इसीलिए मैं भी आपको माँ बाप होने का सुख नहीं दूंगा। मैं आपकी बच्ची को आपसे दूर लेकर जा रहा हूँ। परिवार ने सुमन को तलाक देने का फैसला किया। मैं नहीं देने के लिए अपने माता पिता से परेशान होने लगा, लेकिन मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, वो कुछ भी समझना नहीं चाहते थे। आखिरकार मुझे एक आज्ञाकारी बच्चे की प्रतिष्ठा के साथ घर छोड़ना पड़ा। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं था। केवल एक लोग भी मुझे नहीं समझ पाए। अपनी जेब में केवल 2000 रुपए लेकर मैं और सुमन कोलकाता के लिए रवाना हो गए, और दोस्तों की मदद से मैंने एक काम की व्यवस्था की। तब कश्मकश में हमारा परिवार बहुत अच्छा करके ही चल रहा था। हमारे परिवार में कोई कमी नहीं थी, बस एक बच्चे की कमी थी, और वो कमी हमें बुरी तरह कष्ट दे रही थी। सुमन कुछ नहीं बोलती थी, मैं तब भी उसे समझ सकता था, उसके मातृत्व का दर्द। मैं केवल देख सकता था कि वो दूसरे के बच्चों को अपनी बाहों में लेने के लिए कितना उत्सुक रहती थी। मैंने सुमन से सलाह ली, बच्चा गोद लेना कैसा होगा, कम से कम माता पिता की पुकार सुनी जा सकती है। सुमन भी मेरे प्रस्ताव पर मान गई। हम कोलकाता के एक अनाथालय में गए, वहाँ हमने बच्चों को देखा। मुझे ये पसंद आया, लेकिन मैं उसे इतने बच्चों को छोड़कर अकेला नहीं ले जा सकता था। मेरी अंतरात्मा सबसे बड़ी बाधा थी। सभी के चेहरे पर अवसाद था, बाकी बच्चों को छोड़कर किसी एक के चेहरे पर मुस्कान लाने से क्या फायदा। तो मैंने सोचा और सुमन ने कहा, रुको, हमें बच्चे नहीं चाहिए, याद रखना वो सभी हमारे बच्चे हैं, हम सभी के चेहरे पर मुस्कान ला देंगे। उस दिन के बाद से हम महीने में कम से कम एक बार अनाथालय जाते हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से उनके लिए कपड़े और कुछ खाना ले जाने की कोशिश करते हैं, और बच्चे खुशी खुशी हमें देखकर दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं कि देखो मम्मी पापा आ गए। सब दौड़ते हुए आते हैं और गले मिलते हैं। ये मम्मी और पापा सुनकर ही कितना अच्छा लगता है, मैं ये बयान नहीं कर सकता। आंखें खुशी से भीग जाती हैं। मैं चिल्लाना चाहता हूँ, देखो
देखो सुमन देखो, किसने कहा कि हमारे कोई बच्चे नहीं है। दुनिया को देखो सुमन, यहाँ पर हर कोई हमारा बच्चा है।